आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली गणेश चतुर्थी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य पर आया संकट टल जाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन को हम गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। मान्यता के अनुसार आज के दिन चंद्र दर्शन करने से मनुष्य को झूठे आरोप का सामना करना पड़ता है। कहते हैं एक बार इंद्रदेव ने गणेश जी व अन्य देवताओं को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन भोजन करते समय गणेश जी के रूप को देखकर चंद्रदेव को हंसी आ गई, जिससे क्रोधित होकर गणेश जी ने चंद्रदेव से कहा, अपने जिस रूप का अभिमान कर तू मेरी हंसी उड़ा रहा है, आज से तेरा ये रूप बेरूप हो जाए, तुझे कोई ना देख सके। गणेश जी द्वारा दिए शाप को सुनकर चंद्रदेव घबरा उठे और सभी देवी देवता चिंतित हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा यदि चंद्रदेव धूमिल हो गए तो ये बात किसी के लिए भी ठीक ना होगी और प्रकृति पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तब चंद्रदेव व अन्य देवी देवताओं द्वारा गणेश जी से माफ़ी मांगने पर गणेश जी ने कहा कि मेरा यह श्राप तुम पर से पूर्ण रूप से तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन आज के दिन यानी कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन जो भी मनुष्य तुम्हारा दर्शन करेगा उसे झूठे आरोप से कलंकित होकर अपमान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो भी मिथ्या आरोप से अपने आप को बचाना चाहेगा वह आज के दिन तुम्हारी ओर नहीं देखेगा, चाहे वह फिर कोई भी हो, चाहे देवी देवता या मनुष्य। इसलिए बंधुओं, तब से लेकर आज तक भादो माह की शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं भी चंद्र दर्शन ना करके मध्याह्न काल में गणेश जी की पूजा कर अपना व्रत पूर्ण करती हैं, और यदि कभी भूलवश ऐसा हो भी जाए तो तुरंत गणेश जी से क्षमा याचना करनी चाहिए और गणेश जी के दर्शन करने चाहिए। कहते हैं इस दिन चंद्र दर्शन करने पर भगवान श्री कृष्ण को भी मिथ्या आरोप का सामना करना पड़ा था, इसलिए कभी ऐसा हो जाए तो तुरंत सम्यंतक मणि की कथा का श्रवण करना चाहिए। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण व सम्यंतक मणिधारी सत्राजित की कथा। कथा के अनुसार द्वारिका में भोजवंशीय राजा सत्राजित रहता था। उसने भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सम्यंतक नामक मणि प्राप्त कर ली थी। उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि उसे धारण करने वाला दूसरे सूर्य के समान लगता था, और वह मणि धारक को प्रतिदिन 24 मन सोना देती थी। भगवान कृष्ण ने सत्राजित से मणि प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसन्नजीत मणि को धारण कर जंगल में शिकार खेलने गया।
वहां एक सिंह ने उसे मार दिया और मणि उससे ले ली। संयोगवश जामवंत रीच वहां पहुंच गया और उसने सिंह को मारकर मणि प्राप्त कर ली और वहीं पास में स्थित अपनी गुफा में चला गया और मणि को खिलौना समझकर अपने बेटे को दे दी, जो कि उससे खेलने लगा। दूसरी तरफ जब प्रसन्नजीत कई दिनों तक वापस नहीं लौटा तो सत्रजीत ने भगवान कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि वे मणि लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मेरे भाई को मारकर मणि प्राप्त कर ली है। भगवान कृष्ण इस मिथ्या आरोप से दुखी हुए और मणि की तलाश में जंगल की तरफ चले गए। जब वह उस गुफा के पास पहुँचे जहाँ प्रसन्नजीत का कंकाल पड़ा हुआ था और सिंह के पद चिन्ह गुफा की ओर इशारा कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण उन पद चिन्हों का पीछा करते करते गुफा के भीतर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक बालक मणि से खेल रहा है। इतने में जामवंत भी वहां आ पहुंचा। उन्होंने मणि देने के लिए जामवंत से प्रार्थना की, परंतु जामवंत के इनकार करने पर दोनों के बीच 28 दिन तक युद्ध चला। इस बीच जामवंत को ये स्मरण हो गया कि ये त्रेता के राम हैं, जो द्वापर में कृष्ण रूप में हैं। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से माफ़ी मांग मणि उन्हें दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण जामवंती के साथ द्वारिका लौटे और मणि ले जाकर सत्रजीत को सौंप दी। इस घटना से सत्रजीत बहुत लज्जित हुआ। अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह सम्यंतक मणि उसने सत्यभामा को उपहार स्वरूप दे दी। कथा के अनुसार नारद जी के कहने पर भगवान कृष्ण ने गणेश चतुर्थी व्रत को किया और अपने ऊपर लगे झूठे कलंक से मुक्ति पाई। नारद जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य सम्यंतक मणि के उपाख्यान को सुनेंगे, चंद्रमा की कथा को सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या किसी तरह का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से हो जाए तो उसके निमित्त इस कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि इस कथा को अवश्य सुने। नर अथवा नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। विघ्न विनाशक गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार के सभी पदार्थ मिल जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बंधुओं, गणेश जी की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।